नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। आरजेडी के लिए राहत की खबर, एम्स में चेकअप के बाद घर लौटे लालू यादव, डॉक्टरों ने कहा चिंता की कोई बात नहीं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी, जानिए किन पदों पर होगी बहाली, आगे देखिए डिटेल। बक्सर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी की वजह से खेत में उतरा। बिहार के नवादा में डायरिया का प्रकोप, बादलपुर गांव में 27 लोग बीमार, अस्पताल में हुए भर्ती। बसों में मनमाना भाड़ा वसूलने वालों पर होगी कार्रवाई, जुर्माने के साथ रद्द होगा परमिट। बिहार में अब सब कुछ खुलेगा, नीतीश सरकार ने कोरोना संक्रमण थमने के बाद लिया बड़ा फैसला। पटना में तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत, अब लोगों के घर तक पहुंचेगी सस्ती और ताजी सब्जियां। बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ड्रोन टेक्नोलॉजी व रोबोटिक्स की होगी पढ़ाई। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स में रूटीन चेकअप कराने के बाद वापस घर लौट गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक लालू की सेहत अभी ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। बताया जा रहा है कि एम्स से निकलने के बाद लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पहुंचे हैं। राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए दुख की बात है कि उनकी पार्टी के सुप्रीमो फिलहाल दिल्ली नहीं छोड़ सकते हैं। लालू अभी पटना नहीं आने वाले हैं, अभी वह अपनी बेटी के घर पर ही रहेंगे। गौरतलब हो कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कई तरह की बीमारियां हैं, उनका इलाज दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले दिनों चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू यादव को जमानत पर रिहा किया था। जमानत पर रिहा होने के बावजूद लालू दिल्ली से पटना नहीं आए, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी सेहत रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, मुख्य सचिवालय में चल रहे नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर बहाली को स्वीकृति दी गई है। बुधवार शाम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न कोटि के 194 अभियंताओं की बहाली के लिए पद के सृजन की स्वीकृति दे दी है। इसमें 2 अधीक्षण अभियंता, 19 कार्यपालक अभियंता, 74 सहायक अभियंता और 99 कनिया अभियंता के नए पदों पर बहाली की जाएगी। इसके अलावा निगम के अधीन 31 अनुपयोगी पदों को प्रत्यार्पित करते हुए विभिन्न स्तर के 70 नए संविदागत पदों को सृजित करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सासाराम सदर अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। डॉक्टर नवीन कुमार सिंह 8 अगस्त 2013 से लगातार अनुपस्थित थे। इस वक्त की बड़ी खबर बक्सर से सामने आ रही है। बक्सर में एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, तकनीकी खराबी आने के बाद हेलीकॉप्टर को खेत में उतारना पड़ा। बक्सर जिले के धनसोई थाना क्षेत्र के मानिकपुर हाई स्कूल के मैदान में अचानक एक हेलीकॉप्टर उतरने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो पाया कि इंडियन एयरफोर्स का ZL-4677 चिनूक हेलीकॉप्टर है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने हेलीकॉप्टर और जवानों को सुरक्षा में तैनात हो गई। SP नीरज कुमार सिंह ने फोन पर पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को केवल सुरक्षा को लेकर सूचना मिली है कि इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई है। हेलीकॉप्टर को धनसोई थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव के ग्राउंड में इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया है। हेलीकॉप्टर में एयरफोर्स के जवान हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यह भी पता नहीं चल रहा है। नरहट थाना क्षेत्र के बदलपुर गांव स्थित महादलित टोले में 24 लोग डायरिया से पीड़ित हैं। बीमार लोगों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। गौरतलब है कि 22 अगस्त को इसी गांव के श्याम सुंदर राजवंशी के बेटे गौतम कुमार की मौत डायरिया से हुई थी। गौतम भोज खाने के बाद बीमार हुआ था। एक साथ 24 लोगों के डायरिया से पीड़ित होने की सूचना के बाद DM यशपाल राणा ने सिविल सर्जन को खुद मामले की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। DM के निर्देश पर नरहट PHC में मेडिकल टीम को प्रभावित गाँव में भेजा गया है। मेडिकल टीम गांव में कैंप कर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। इस दौरान गांव में भी 3 और लोग डायरिया से पीड़ित मिले, लेकिन उनकी स्थिति नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विभाग आसपास के गांवों पर भी इस बीमारी के फैलाव को लेकर नजर रख रही है। 2 दिन पूर्व गांव के ही एक बच्चे की डायरिया से मौत हुई थी। संभवतः बच्चे की मौत के बाद से ही महादलित टोले में डायरिया का प्रकोप बढ़ा है। फिलहाल सभी लोग का नवादा सदर अस्पताल में इलाज जारी है और सभी खतरे से बाहर हैं।
बिहार में अब कोविड के नाम पर सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में दोगुना भाड़ा वसूली करने वाले बस संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के तहत उनसे जुर्माना लिया जाएगा और वाहनों को जब्त कर परमिट भी रद्द किया जाएगा। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक को निर्देश दिया है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी के अनुसार बसों में निर्धारित दर से अधिक भाड़ा वसूली को लेकर कई जिलों से शिकायतें मिल रही थी। बताया जा रहा है कि जब 50% क्षमता के साथ जब बसें चल रही थी तब भी गुना भाड़ा लिया जा रहा था और जबकि अब पूर्ण क्षमता के साथ बसों का परिचालन किया जा रहा है फिर भी दोगुना भाड़ा लिया जा रहा है। बस चालकों द्वारा मनमाना भाड़ा वसूली किए जाने से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यह विभागीय निर्देशों की अवहेलना है। बस संचालकों द्वारा दोगुना भाड़ा लिया जाना गैर कानूनी है। इस पर कार्रवाई के लिए सभी जिलों में विशेष जाँच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद अब नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना की स्थिति को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब सब कुछ खोलने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खोलने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए खुद इसकी जानकारी दी है। सीएम नीतीश ने कहा है कि कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन की अनुमति से अब सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन किए जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी जरूरी होगी। नहीं, सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अब विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान और पहली से लेकर बारहवीं तक के स्कूलों के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेज विद्यालयों की तरफ से भी परीक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी। राजधानी पटना के लोगों को अब ताजी सब्जियां लेने बाजार नहीं जाना पड़ेगा। बिहार सरकार ने लोगों के घरों तक सब्जियां पहुंचाने की नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत किसानों के खेत से सीधे खरीदी गई सब्जियां लोगों के मोहल्ले तक कुछ घंटों के अंतराल में पहुंचेगी और दाम भी बाजार से कम होंगे। बिहार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए ई रिक्शा के माध्यम से शहर भर में सब्जियों के विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारम्भ किया है। मंत्री ने कहा है कि मोबाइल आउटलेट के माध्यम से 10 ई रिक्शा खरीदी गई है। ये वाहन शहर में घूम घूम कर लोगों को सस्ती सब्जी उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री बुधवार को हुई इस मीटिंग में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इसके तहत बिहार कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 70 नए संविदागत पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ड्रोन टेक्नोलॉजी व रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सूबे के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब नए एवं उभरते हुए तकनीकी का कोर्स पढ़ाया जाएगा। इसके तहत इन संस्थानों में परंपरागत कोर्स के अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन कोर्सों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की स्वीकृति के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है। बिहार में इन दिनों इंटरमीडिएट में नामांकन हो रहा है। एडमिशन लेने के लिए छात्र छात्राओं की काफी भीड़ जमा हो रही है। हालांकि बिहार के कई जिलों में बाढ़ के पानी के कारण स्कूल और कॉलेज जलमग्न हो गए हैं। इंटर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए ताज़ा जानकारी ये है कि बिहार सरकार ने एडमिशन लेने का डेट बढ़ा दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार इंटर में अब बच्चे 31 अगस्त यानी कि अगले सप्ताह तक एडमिशन ले सकते हैं। गौरतलब हो कि 11वीं कक्षा में सत्र 2021-23 के लिए नामांकन के लिए जारी फर्स्ट लिस्ट के छात्र छात्राओं को 24 अगस्त यानी कि मंगलवार तक ही लास्ट डेट दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर इसी महीने की आखिरी तारीख तक कर दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन के लिए कदम बढ़ा रही मोदी सरकार ने बिहार को लेकर अब बड़ा फैसला किया है। बिहार में कई सड़कों को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली गई है। बड़ी खबर यह है कि पटना एयरपोर्ट का संचालन भी अब निजी हाथों में होगा। इसके अलावे पटना में प्राइवेट पैसेंजर ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने कुल 13 तरह की सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचने या फिर उसे लीज पर देने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की लॉन्चिंग के साथ इसकी घोषणा की है। सरकार ने तय किया है कि सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचकर या संपत्ति को लीज पर देकर
कुल 6 लाख करोड़ जुटाए जाएं। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इसका पूरा खाका पेश किया है। इस योजना को 2025 तक चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। पटना एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। वहीं पटना जंक्शन से प्राइवेट ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। बिहार के 7 सड़कों का संचालन भी निजी हाथों में देने की तैयारी है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।